आज हम लोग आ चुके हैं अपने लखनऊ के प्योर के शोरूम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अपने आईआईटी हैदराबाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आज ये लखनऊ में भी आ चुका है ये शोरूम। तो आज हम लोग चलेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या नए फ्यूचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने उतारी हैं। और हम लोग चलते हैं शोरूम के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या नए फ्यूचर्स उतारे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग शोरूम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी, स्कूटीज़ हैं। और यहाँ पर आपको एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है आपको एक साइकिल भी मिल जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक है। और इसमें काफ़ी अच्छे फ्यूचर्स हैं जो कि अभी वो बताऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एंड में आपको इस शोरूम का नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी व्हीकल आपको परचेस करना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही परचेस करना हो। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है प्योर की, और ये आईआईटी हैदराबाद में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आईआईटी हैदराबाद में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सी बाइक का हम लोग या कौन सी स्कूटी का रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. आज हम लोगों के सामने है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पर जो है ई प्लूटो 7G का आज हम लोग फुल रिव्यू देखेंगे, वो भी ये नीले कलर की है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। अभी हम लोग इसका फुल रिव्यू देखने वाले हैं A to Z। और आपको अगर ये परचेस करना होगा तो सबसे आखिरी में आपको नंबर दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नंबर है, आप वहां से जा करके परचेस कर सकते हैं या कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं अलॉय व्हील के साथ और डबल ड्रम डिस्क ब्रेक है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पर इसके ऊपर जाते हैं तो ये एक आपको मडगार्ड दिखता है जिसमें आपको ये एक छोटा सा सिंबल दिखता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्टेनलेस स्टील क्रोमिंग फिनिश का बना हुआ है। उसके ऊपर यहाँ पर आपको नंबर प्लेट देखने को मिलती है और साइड में आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे प्रीमियम इंडिकेटर देखने को मिलते हैं जो कि इसमें ही इंस्टॉल हैं, आपको टूटने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको प्योर का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लोगो है, आप देख सकते हैं। ब्लैक में आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, ये प्योर का लोगो है। और ये नीले कलर का वर्जन में है, यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है दूर से, आप देख सकते हैं। LED हेडलैम्प है इसमें, काफ़ी अच्छी दूर तक का रोशनी जाती है LED हेडलैम्प। और यहाँ पर आपको दोनों तरफ आपको ब्रेक देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं दोनों तरफ आपको ब्रेक देखने को मिलती है। तो अभी हैंडलिंग की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं हैंडल।
तो यहाँ पर हैंडल की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिलता है, अपर डीपर देखने को मिलता है, जो कि दूसरी साइड आपको यहाँ पर आप अपनी हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं जो कि LED हेडलैम्प है। दूसरी साइड भी आपको हॉर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3-स्टेप मोड मिलता है, जैसा कि पेट्रोल बाइक में गियर होती है वैसे ही इसमें 3-स्टेप मोड होता है। जैसा अगर फर्स्ट स्टेप पे चलाएंगे तो 10 से 15 की स्पीड में चलेगी और जैसा कि दूसरी स्पीड में चलाएंगे तो आपको 20 से 30 की स्पीड और यहाँ पर जो थर्ड स्पीड है वो आपकी फुल स्पीड 60 से 65 की स्पीड मिलती है। और ये आपका थ्रोटल है और दोनों साइड ब्रेक, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों साइड ब्रेक, ये आपका मूवेबल टोटल है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक तरीके की आपकी चाबी है जो कि बहुत ही अच्छी है और इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पर आपको 4 चाबियाँ एक साथ मिलेंगी जब आप परचेस करेंगे। पर आपको 2 एंटी डेफ्ट रिमोट लॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिलेगा आगे फ्रंट में। यहाँ पर आप अपनी बोतल रख सकते हैं या फिर मोबाइल को भी डाल सकते हैं, पर्स डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप पेन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेन रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक माउंट मिलेगा, इसे ही आप अपनी लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और इससे अपनी बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्कूटर को। उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि LCD में क्या क्या फ्यूचर्स हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर देखने को मिलता है, ये आपका 3-स्टेप मोड है। अगर आप जैसे ही मोड चेंज करेंगे तो मोड के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ से आप अपने मोड को चेंज करेंगे तो मोड के हिसाब से आपको देखते हैं यहाँ पर चेंज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किलोमीटर स्पीड दिखाती है और यहाँ पर आपका किलोमीटर दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल चुकी है। दोनों साइड आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड इंडिकेटर और इधर आपको अपर डीपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अपर, आपका डीपर देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको प्योर का सिंबल देखने को मिलता है जो कि IIT हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस है कंपनी और यहाँ पर अपने लखनऊ में भी आ चुकी है। फ्रेंड्स आपको फुटरेस स्पेस देखने को काफ़ी मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। अगर आप यहाँ पर पैर भी रखते हैं तब भी आपका काफ़ी स्पेस बच जाएगा। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपकी चार्जिंग होगी, जो आपकी बैटरी है वो यहाँ पर आप इनपुट करेंगे। और अभी देखते हैं इसमें कौन सी बैटरी लगी है, रिमूवल लगी है, नॉन रिमूवल लगी है, तो चलिए देखते हैं एक बार। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इनकी जो सीट कवर है, ये सीट है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सॉफ्ट है, आराम से आप इस पर कोई भी बैठेगा आराम से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको इसमें झटके बिल्कुल भी नहीं एहसास होंगे। और अभी इधर साइड पैनल की बात करें तो साइड में आपको देख सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट लगा हुआ है, ई प्लोटो का आपको सिंबल देखने को मिलता है और यहाँ पर 7G लिखा हुआ है जो कि आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सीट का लॉक देखने को मिलता है और अपनी चाबी से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ओपन हो गया है। और यहाँ साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की स्ट्रिप लगी हुई है, आपका ब्लू कलर का जो स्कूटर है वो ब्लू कलर का है और सिल्वर कलर की आपकी स्ट्रिप लगी हुई है। साइड में आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है छोटे छोटे जो कि इसी में इंस्टॉल है। नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इधर दिखो, इधर से आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है और डबल स्टैंड भी देखने को मिलता है। जब भी आप गाड़ी खड़ी करें इलेक्ट्रिक की तो डबल स्टैंड पर ही खड़ी करें। यहाँ पर आपको एक साइड में सबसे नीचे की ओर टायर के पास प्लास्टिक का एक कवर देखने को मिलता है जिसमें सिल्वर कलर की स्ट्रिप लगी हुई है। और यहाँ पर आपको ई प्लूटो का सिंबल देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ये उभरा उभरा है, प्योर का सिंबल देखने को मिलता है आपको। और मोटर की बात करें तो ये देख सकते हैं, एंड बैक टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर है और इसमें क्रोम फिनिश के साथ एक डिज़ाइन बनाई गई जो कि दूर से काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको 1500 वाट और 60 वोल्ट की मोटर देखने को मिलेगी ट्यूबलेस टायर के साथ और ये जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो और पीछे की बात करें तो पीछे देखते हैं क्या क्या फ्यूचर्स हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की जो नंबर प्लेट है वो देखने को मिलेगी जो जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये टॉप स्पीड की स्कूटर है जो कि 65 साइड के तरीके, इधर भी आपको ई प्लूटो का लोगो देखने को मिलेगा, 7G लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको नीचे की बात करें, नीचे दिखाना चाहूँगा मैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और 46 नंबर लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको
लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ई प्लूटो 7G लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका गाड़ी का जो चेचिस नंबर है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप बैटरी के साथ अगर इसको आप तौलते हैं तो यहाँ पर 76 किलोग्राम निकलेगी। ये जो स्कूटर का वेट है वो लिखा हुआ है यहाँ पर बैटरी असेंबल के साथ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाने चाहूँगा जो कि सिल्वर कलर से बनाई गई है, जो भी पीछे बैठता है इसको पकड़ने के लिए है। ये ग्रिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये पतला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बनाया गया है जिससे कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। आपको कोई भी पीछे बैठे तो आराम से पकड़ करके बैठ सकता है। अभी हम लोग इसकी गद्दी को खोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें कितना स्पेस है, बैटरी रिमूवल है कि नहीं, बैटरी कौन सी लगी है, एक फुल चार्ज में कितनी गाड़ी जाती है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये NCV है, जो कि आप देख सकते हैं 63 एम्पियर की MCV लगी हुई है। ये शॉर्ट सर्किट में आपकी कोई भी प्रोटेक्शन करती है अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, और यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बैटरी एक हार्ड केस में, लोहे में, हार्ड लोहा में कवर रहती है, और ये जो बैटरी है ये 60 वोल्ट 40 AH, जी हाँ, और ये बैटरी का मॉडल नंबर लिखा हुआ है और ये प्योर कंपनी का लोगो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको रिमूव करके अपने घर में भी चार्ज कर सकते हैं, और इसका चार्जर देखते हैं वो कैसा है। बैटरी को लगी लगी अगर चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इनपुट करना होगा, ये चीज़ यहाँ से इनपुट कर सकते हैं आप, यहाँ से आप इसको इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से आप इनपुट कर सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी को निकाल करके चार्ज करना है तो वो भी आपको इसमें तरीका दिया हुआ है। आप अपनी बैटरी को आराम से यहाँ से इसको आप निकालें, और अगर आप दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो ये आराम से रिमूव हो जाती है। आप देख सकते हैं इसको आराम से रिमूव करके आप अपने घर में ले जा करके ये वाला जो पोर्ट है आपको इसमें लगाना है और आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जर है उसकी कैपेसिटी देखते हैं क्या है, और ये ऑटो कट चार्जर है। अगर आप इसको रात में भी लगा करके छोड़ देते हैं तो ये ऑटो कट हो जाता है अपने आप, और LED सिंबल्स भी दे रखा है कि अगर आपकी जो स्कूटर है वो अगर फुल चार्ज हो जाती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी LED लगी हुई है नीचे की ओर, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो LED लगी हुई है वो बंद हो जाती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, 67.2 वोल्ट 10 एम्पियर, जी हाँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जो DC जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं, और इनपुट आपको 200, और फ्रेंड्स ये वेरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे अच्छे फ्यूचर्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ये लिथियम आयन बैटरी है, इसकी जो वारंटी है आपको 3 साल की मिलेगी। ये लखनऊ में जो सर्विस सेंटर है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, और जो यहाँ पर चार्जर, कंट्रोलर और मोटर, इस पे आपको 1-1 साल की वारंटी मिलेगी जिसमें आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कलर देखने को मिलेंगे जो कि 6 कलर वेरियंट हैं। यहाँ पर आपको वाइट, येल्लो, ब्लैक, ग्रे, रेड, ब्लू, ये सारे मॉडल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई रिव्यू में, जो कि यहाँ पर पोस्टर में लगा हुआ है आप देख सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पर डिस्क ब्रेक दिखाया, LED हेडलैम्प दिखाया, और आपको यहाँ पर डिग्गी दिखाई, और ये सीट दिखाई मैंने आपको, बैकलाइट दिखाई और हॉर्न दिखाया, आपको LCD भी दिखाई। Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Are the feelings that we shared are in the past? Your relationships are never meant to last.